नमस्कार दोस्तों, शुरू होने जा रहा है क्रिकेट का महासंग्रह और फिर से एक बार लौट के आ रहा है आईपीएल T20 क्रिकेट। जहां दोस्तों आईपीएल ऐसा क्रिकेट है जिसने पूरे दुनिया में धूम मचा के रखे हैं और जब कभी आईपीएल का ऑक्शन आता है तब सारी दुनिया के क्रिकेटरों की, सारी दुनिया के क्रिकेट के फैंस ही नजर रहती है कि कौन सी टीम कौन से प्लेयर को खरीदेगी और कितने करोड़ों में खरीदेगी। जहां दोस्तों इतना बड़ा है ये आईपीएल का महासंग्राम दोस्तों। और दोस्तों फिर से एक बार आया है आईपीएल का ऑक्शन और इस बार आईपीएल का ऑक्शन बेंगलुरु में नहीं कोलकाता में होने वाला है और ये ऑक्शन की डेट है 19 दिसंबर 2019। जहां दोस्तों 19 तारीख को आईपीएल का ऑक्शन होने वाला है और आज हम बात करने वाले हैं कि किस टीम के पास कितना पैसा बचा हुआ है और कौन सी टीम कितने प्लेयर खरीद सकती है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा चेन्नई सुपर किंग की, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। जहां दोस्तों जिस टीम की पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है और उस टीम के पास बचे हैं 14,60,00,000 रुपए। जहां दोस्तों उनके पास पैसे जरूर कम है लेकिन उनकी टीम भी बहुत ज्यादा मजबूत है और एक्सपीरियंस टीम है, इसकी वजह से हमें उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद रहते हैं। अब ऑक्शन टेबल पे बैठने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि 14,60,00,000 में किस प्लेयर को यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी की टीम खरीद लेती है। जहां दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। जहां दोस्तों दिल्ली कैपिटल जो पिछले सीजन में क्वालिफायर राउंड तक पहुंची थी और उस टीम के पास भी बहुत ज्यादा पैसे बचे हैं दोस्तों। उस टीम के पास लगभग 27,85,00,000 रुपए बचे हैं दोस्तों। उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे खरीदी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे किंग्स इलेवन पंजाब। जहां दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब ने इस साल बहुत बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने अपने हेड कोच के तौर पर अनिल कुंबले को यहाँ पे लिया है और उनके जो कप्तान थे आर अश्विन को उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब आर अश्विन दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलने वाले है दोस्तों और किंग इलेवन पंजाब के पास सबसे ज्यादा पैसा है दोस्तों। उनके पास है 42,70,00,000 रुपए। जहां दोस्तों जब आईपीएल के रोटेशन हुए थे उस समय उन्होंने सबसे ज्यादा प्लेयर को रिलीज किया था, इसी के वजह से उनके पास 42,70,00,000 रुपए बचे हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स। जहां दोस्तों गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स ने दो बार यहाँ पे कोलकाता को जीत दिलाई थी लेकिन जब से दिनेश कार्तिक ने कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान संभाली है तब से लेके अब तक टीम का प्रदर्शन एकदम नीचे गया है लेकिन इस टीम ने भी बहुत सारे बदलाव किए हैं और इस टीम के पास भी अच्छा खासा पैसा है दोस्तों। और इस टीम के पास हम देख पा रहे यहाँ पे 35,65,00,000 है दोस्तों। जहां दोस्तों 35,65,00,000 रुपए है इस टीम के पास और वो भी अच्छी खासी खरीदी कर सकती है। जहां दोस्तों उसके बाद बात करते हैं पिछली बार की चैंपियन आमची मुंबई यानी कि मुंबई इंडियंस की। जहां दोस्तों ये अंबानी की टीम है और अंबानी की टीम को देखा जाए तो उनकी तरह ये टीम बहुत ही तगड़ी है। इसकी कमान रोहित शर्मा के हाथ में है और उनके पास ज्यादा पैसा तो नहीं बचा है, उनके पास बचे है 13,05,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों उनके पास 13,05,00,000 जरूर है लेकिन उनकी जो अभी जो टीम है वो इतनी स्ट्रांग है कि ये अगर कोई खरीदी भी ना करे तो इस टीम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। फिर भी यहाँ पे रोहित शर्मा की टीम की ये कोशिश रहेगी कि वो कोई अच्छा सा प्लेयर खरीदी करे दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। जहां दोस्तों राजस्थान रॉयल्स जिसके कप्तान स्टीव स्मिथ है, जहां दोस्तों अजिंक्य रहाणे को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है, उन्होंने दिल्ली कैपिटल को अजिंक्य रहाणे को भेज दिया है। आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी यहां पे स्टीव स्मिथ के कंधों के ऊपर है और इस टीम के पास में भी अच्छे खासे पैसे है। जहां दोस्तों इस टीम के पास है लगभग 28,90,00,000। जहां दोस्तों 28,90,00,000 रुपीज यहाँ पे राजस्थान रॉयल के पास है और वो भी अच्छे खासे प्लेयर यहाँ पे खरीदी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद सबसे अच्छी टीम जिसको सब पसंद करना चाहेंगे वो टीम है विराट कोहली की और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के टीम के पास लगभग 27,90,00,000 रुपए है। जहां दोस्तों 27,90,00,000 रुपए विराट कोहली के टीम के पास है और विराट कोहली के भी टीम को बहुत ज्यादा बदलाव करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने देखा है कि विराट कोहली के टीम का पिछले 2-3 साल का प्रदर्शन एकदम खराब रह चुका है, इसलिए इस टीम में ज्यादा बदलाव करने पड़ेंगे और इसलिए मुझे लगता है कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के ऑक्शन टेबल पे यहाँ पे बहुत बड़ा काम होने वाला है और वो भी अच्छे अच्छे प्लेयर खरीद सकते हैं।
जहां दोस्तों इसमें आखिर में बात करेंगे, जो टीम की ज्यादा पब्लिसिटी नहीं होती, उनके फैन फॉलोइंग भी ज्यादा नहीं है, फिर भी ये टीम हर बार हर सीजन अपना काम निभा के जाती है और बहुत अच्छी तरीके से ये टीम खेलती है और हर बार वो सेमीफाइनल नहीं तो फाइनल तक खेलती है। वो टीम है सनराइजर हैदराबाद और सनराइजर हैदराबाद के पास है 17 करोड़ रुपए। जहां दोस्तों 17 करोड़ रुपए है, लेकिन सनराइजर हैदराबाद के स्क्वाड में बहुत सारे प्लेयर की कमी है। जहां दोस्तों उनको बिग हिटर चाहिए, अच्छे अच्छे प्लेयर चाहिए, इसके लिए अभी उनके पास 17 करोड़ की पर्स बचे हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इतने अमाउंट में वो कितने अच्छे प्लेयर खरीदी करते हैं और अपने टीम को किस तरह स्ट्रांग करते हैं। दोस्तों ओवरऑल यही है, हमने देखा कि यहाँ पे सारे टीम के पास कितने पैसे बचे हुए हैं। अब 19 तारीख को ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी टीम किस प्लेयर को खरीदते हैं और कौन सी टीम में अच्छे अच्छे प्लेयर आते हैं और कौन सी टीम सबसे ज्यादा बोली लगा के सबसे अच्छा प्लेयर अपनी तरफ खींच लेती है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे ऑक्शन के बारे में, आईपीएल के बारे में, आप जरूर बताएं मुझे नीचे कमेंट में। और दोस्तों आप सबकी यहाँ पे सबसे फेवरेट टीम कौन सी है और आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, ये भी आप जरूर बताएं मुझे नीचे कमेंट में। फिलहाल अभी के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही, भारत माता की जय।